वर्षों से जो किसान उपेक्षित पड़ा हुआ था, केंद्र की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का 1,00,000 रुपए तक का ऋण माफ करके लगभग 86,00,000 किसानों को राहत देने का कार्य किया। देश के अंदर ऋण माफी की जो योजना थी उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इस योजना को क्रियान्वित किया और किसानों को भारी राहत इसके माध्यम से मिली। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, जो थोड़े बहुत प्रदेश सरकार के द्वारा होता था वो मीडिएटर के माध्यम से होता था, आढ़तियों को बीच में रख के होता था। हम लोगों ने विगत वर्ष जब हम लोग आए थे, गेहूं क्रय का सीजन प्रारंभ हो रहा था, हम लोगों ने उस समय 37,00,000 मीट्रिक टन सीधे किसानों से क्रय करके इस देश के अंदर विगत 4.5 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार के एजेंडे में किसान आया है। यह मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा पिछले 4-4.5 वर्षों के द्वारा किए गए कार्यों से स्पष्ट दिखाई देता है। किसानों की जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने किया है। स्वनिर्भर कार्ड का मामला रहा हो, जिसे प्रत्येक किसान के लिए उन्होंने अनिवार्य करके और उसे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, या फिर किसान के लिए बीज और खाद की उपलब्धता, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जो कार्रवाई भारत सरकार ने की, उससे यूरिया की कालाबाजारी रुकी है और उसकी उपलब्धता किसानों के लिए सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा को खेती के अनुकूल बनाने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के हर खेत पर पानी देने के साथ साथ